बस मच्छरदानी। तुम मैं उठ चुकी हूँ, चलो जल्दी से, इससे पहले कि बाथरूम है ना ऑक्यूपाई हो जाओ, बाथरूम में इतनी बड़ी लाइन लग जाए, जल्दी से हम लोग बाथरूम भागते हैं। वाह, देखो तो कोई है तो नहीं बाथरूम में, लाइन तो नहीं लगी बाहर। कोई है बाथरूम में? हाँ कोई नहीं है बाथरूम में। मच्छर, देखो ये मच्छर अंदर जाने की फिराक में है, लेकिन उसको अंदर जाना नहीं आ रहा है। देखो सबसे लास्ट है ना, कल ब्रश पापा ने किया था, तो तब से ना पेस्ट नहीं मिल रही है मम्मी। और अभी जब मैंने पापा को पूछा कि आपने पेस्ट कहाँ पे रखी है, तो पापा बोल रहे मुझे नहीं पता है। तो वही तो मैंने वही बोला, पापा बोल रहे मुझे नहीं पता, तो क्या करूँ, मैं नई पेस्ट लेके आऊँ दुकान से? चलो मैं चली दुकानिया पे, बस कुछ खाने के लिए भी लेके आऊंगी। क्या क्या लाना है? देखो पार्ले जी बिस्किट, यार मैं क्या बताऊँ, यहाँ का पार्ले जी बिस्किट बहुत ज्यादा अच्छा लगता है चाय के साथ। देखो ऐसे यहाँ से जाना है, वो जो दिख रहा है ना उस साइड, वहाँ पे दुकान। और देखो ना यार, मेरा पिंपल अभी तक नहीं गया और ये और ज्यादा बड़ा हो रहा है पिंपल। चलो ठीक है, अभी ये देखो ये रही गांव की दुकान। हाँ कोलगेट, कोलगेट कोलगेट बा, ये वाला है। कौन सा वाला है? सूर्य वाला। ये कौन सा कोलगेट है? कोलगेट नहीं है, सूर्य है। मंजन है वो, ऐसे मंजन कर। अच्छा मंजन ले लूँ क्या यार? ठीक है ये दे दो मंजन। और निर्मा पाउडर है? हाँ। एक निर्मा पाउडर दे दो, फिर पार्ले जी बिस्किट दे दो। कितने वाला? निर्मा पाउडर 10 वाला दे दो। इस बार ना मैं थैली अपने साथ लेके आई हूँ, लास्ट टाइम थैली ही नहीं थी, इतना भर दो ना इसमें। शायद यहाँ पे गांव में कोई है ना कोलगेट पेस्ट वगैरह जो होता है ना वो नहीं यूज करता, मंजन यूज करता है वो पाउडर वाला। अभी वो दीदी ने बोला ना सूर्य मंजन यूज करते हैं यहाँ पे सब लोग। देखो ये आ गए हम लोग घर पर। मम्मी को भी तो बताना पड़ेगा, यहाँ पे पेस्ट वेस्ट कुछ ना ही मिलता है। ये देखो ये मंजन, सूर्य मंजन, सूर्य मंजन, वो देखना पड़ेगा बाबा मम्मी। वो जो दीदी है ना जो दुकान पे थी, उन्होंने बोला कि है ना पूरा गांव यही मंजन यूज करता है। हाँ यहाँ पे गांव में ना पेस्ट कोई ज्यादा यूज नहीं करता है। वैसे खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। सबसे पहले ना आप ही ब्रश करो, फिर मेरे को बताओ उसका टेस्ट वगैरह कैसा है। ठीक है हम कर लेते हैं। लाओ, मैंने मम्मी को बोला कि आप पहले इसको देखो कैसे लगता है ये, लेकिन अब मैं ही जल्दी से ब्रश कर लेती हूँ। इसको खाना होता है क्या? टेस्ट करके देख। अच्छा है। कैसा लग रहा है? तो मैं आ गई ब्रश करके, और देखो अभी मैं पार्ले जी बिस्किट खा रही हूँ, वो भी चाय के साथ में, मस्त गर्मा गर्म चाय है। ए बताना तो ये पार्ले जी मतलब इसका जी जो है उसका क्या मतलब होता है, बताओ बताओ। नहीं पापा बोलते हैं उनको रिस्पेक्ट से पार्ले जी बोलते हैं। अच्छा, और कृष्णा ने बोला कि जी का मतलब जीनियस होता है, आपको क्या लगता है बताओ कमेंट में। तो देखो माई अभी बता रही थी कि है ना जब भी ऐसी लड़की या फिर लड़का पैदा होता है ना, तो बाहर जो बुड्ढे बैठते हैं ना, तो वो रोने से पहचान लेते हैं कि लड़की पैदा हुई है या फिर लड़का। माई बताओ तो। हाँ सब बुड्ढे लोग तो पहचान ही लेते रहे, लड़के होते रहे तो शांत रहते रहे, लड़की थोड़े चंचल माना थी। हाँ तो लड़की रोए देते हैं। हाँ तुरंत रोई है, जब धरती गिरी तो जोर का चिल्लानी। अच्छा उनका कुछ नहीं तो क्या कहा थे तो बुड्ढे? तो बुड्ढे ये कही है कि आई गई चूल पोते वाली। अच्छा मतलब लड़की पैदा हो गई तो चूल पोते वाली आ गई। हाँ। मतलब चूल्हा जलाने वाली, चूल्हा उल्ला करने वाली। अच्छा अच्छा कोई ये नहीं कहता क्या कि लड़की हो गई तो भाई झांसी की रानी आ गई? नहीं तब नहीं, अब भैया हो तो सोहर हो, गाय जाए ढोल नगारा बाजे बधावा आए। लड़का हुए तो इतना बोलते हैं? हाँ। अच्छा लड़की हुए तो उनके लिए कुछ नहीं, और जितना लड़की करती थी। हाँ। उतना लड़की छोरों करी है नहीं। अरे लड़की हो गई तो बोल देना झांसी की रानी आ गई। चूल पोते वाली नहीं, और लड़का हो गया तो घर फूके वाला आ गया। हाँ घर फूक वाला। हाँ फिर घर पूरा फूक देता लड़का।
लड़की की वजह से कभी घर खराब हुआ नहीं हुआ, लड़का बर्बाद कर देता घर को। अगर कुछ अच्छा पढ़ ले कुछ कर ले तो ठीक है, ये तो फूंक दिया घर सही बात बा के उधर रूहा निकल गए हाँ। तो क्यों कुछ नहीं करा, क्यों चुअर नहीं करा, यही हुआ था ना, यही नहीं करा थी सब लड़के। भैया देखा ही हाँ। अपने यहाँ तो देहात का बतिये बस शहरों में देखत होगा हाँ। यार जो ऐसे लड़की को बोलते हैं ना चूल पोते वाली आने के बाद में इस दुनिया में, वो फिर डबल स्टैंडर्ड वाले बुढ़े हैं, ऐसे थोड़ी बोलते हैं माई। तो तुम बता ही दियो ऐसे ना ही बोलत बा। बहुत भारी लगी। पिछले साल जब हम शादी में आए थे ना तो यही इन्हीं की बेटी थी, उनकी शादी में हम गए थे। वो देखो पापा क्यों रुला रहे हो उसको, वो रोती है आपको देख के। नहीं ना पापा। अरे गला साफ हो रहा उसका। मैं नहीं मानता। साफ करो साफ। मम्मी बोलो ना पापा को। अब यहाँ कई बुढ़े वो बोले थे और पानी दिए हैं लड़की हाँ। लड़के पानी नहीं देते लड़के पानी भी नहीं देते, तब दिए हैं पानी वो और फिर उधर गई है। तो जब लड़के पानी भी नहीं देते और फिर बुढ़े ढोल नगाड़े क्यों बजाते लड़का पैदा होने पे? अरे हमें खुशी रहा था कि हमारे घर का वारिस आई है। अच्छा हमारे कुल बढ़ावे वाले आए गए, कुल बढ़ाएंगे घर को बांटेंगे हाँ है ना, तब बंटवारा कर लेंगे, झगड़ा भी करेंगे, झगड़ा करिए ये कुल कर। हम यहाँ पे मिलके सब बुड्ढो बाटो का डिस्कस कर रहे हैं, क्या बोलते हैं और मैं और कुछ बोलते हैं अच्छा सा इंटरेस्टिंग सा। ए माई माई इसके नीचे जाके देखो तो है ना, हमने ये जो गैस है ना ये वापस किचन में ला ली है। अभी मम्मी क्या बना रही है, आलू की सब्जी बना रही है मम्मी। ये ले आलू छिलके लगाई था, अभी तक आपने कुछ काम कैसे नहीं दिया मेरे को, लाओ तो मैं एकदम फास्ट फास्ट ही काम खत्म कर दूंगी देखना आप। देखो मुझे है ना ये आलू मैंने सारे छील दिए, वहाँ पे जाके धोना है और हैंडपम्प के पास है ना दो दो कुकुरवे बैठे हैं, तो सबसे पहले ना डंडा लेना पड़ेगा ना। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, वो देखो हो रहे वहाँ पे दो दो कुकुरवे। आए कुकुरवा आज मम्मी है ना दम आलू बनाने वाली है, देखो कितने छोटे छोटे आलू है ये। गिर जाती मैं तो मेरा नाखून टूटने वाला था ऐसे। कैसे लगा दिखाते हो? देखो ये मेरी लेगिंग। मैं क्या दिखा रही थी, मैं आलू फ्राई दिखा रही थी जो मम्मी ने बनाया है, ये देखो वो दिखाने के लिए मैं सामने आ रही थी तो मैं गिर गई इधर ही। देखो तो अभी मैं रोटी बनाने वाली हूँ, वैसे है ना रोटी पहले ही बन चुकी है लेकिन है ना मैंने बोला था कि दो रोटी का आटा मेरे लिए बचा के रखना, तो लास्ट की दो रोटी मैं बना दूंगी, तो हैवी है ये। अब देखना आप सब मैं कैसे रोटी बनाती हूँ। अभी देखो अब मैंने ना इसमें सूखा आटा लगा दिया, अब मैं रोटी बनाने जा रही हूँ। देखो मैं पहले बता रही हूँ इतनी गोल रोटी भी नहीं बनेगी मेरे से, फिर भी मैं ट्राई करूंगी गोल रोटी बनाने का। मम्मी इंस्ट्रक्शन दे रही है ना मुझे कि गोल रोटी कैसे बनानी होती है। एक ही साइड से मत बेला हाँ। साइड साइड से बेल, पूरी साइड से बेलना चाहिए इसे गोल हाँ, कोने कोने से ना हाँ। किसकी मम्मी ऐसे इंस्ट्रक्शन देती है रोटी बनाते टाइम, बताओ तो साइड से बेलना होता है रोटी को। बस हो गया टेढ़ी हो गई बस इतना ही हाँ। ये कैसा नकाशा बना दिया मैंने, देखो मैं सीख रही हूँ रोटी गोल बनाना, बाकी सब आता है मुझे सब्जी वगैरह दाल बनाना, सिर्फ रोटी गोल नहीं बनती मेरे से। एकदम मस्त डाल दे, ये रोटी मैं खाऊंगी क्योंकि ये मैंने बनाई है। बताना यार ये रोटी कैसे बनी है, जल्दी जल्दी कमेंट्स करके बताओ तो। आपको गरम नहीं लग रहा? चिपक गई रोटी इसमें। कैसे पलटा दी मम्मी ने ये रोटी, थोड़ी सी यहाँ से जल गई है लेकिन ठीक है।
देखो ठीक है ना यार, इतनी भी गोल नहीं बनी है, अभी सब ये मत बोलना गोल रोटी नहीं बनी है। पापड़ तो नहीं लग रहा ना? नहीं नहीं मैं खा लूंगी, पापड़ नहीं है। तो ये जो मैंने रोटी बनाई है ना जो जल गई है थोड़ी सी, ये भी मैं पापा को देती हूँ और पापा से पूछते हूँ उनको ये रोटी कैसी लगी। चलो पापा, पापा पापा, ये लो आपका खाना। हाँ बन गया खाना। ये वाली रोटी खा के बताओ कैसी बनी है? जले वाली? हाँ मैंने बनाई है वो रोटी, तो अच्छी बनी होगी ना? अच्छी है ना पापा? मैं ही बनाया करूंगी फिर रोटी। ऐसे पंखा से हवा चलाओ। चला ना ले, क्या पंखा? पंखा नहीं मिल रहा। तो अभी हम लोग जा रहे हैं नहाने। हम क्या करते हैं पता है, जब है ना बहुत ऐसी गर्मी लगने लग जाए ना तब नहाने जाते हैं, ताकि फिर है ना दिन भर ठंडा लगे। और आज है ना मम्मी को और मुझे कपड़े भी धोने हैं, तो इसलिए मैं ना गाड़ी में से कपड़े निकाल रही हूँ कि कौन से कपड़े धोने हैं। देखो कितने सारे कपड़े, आधे तो मम्मी ने इसमें डाल दिए भिगोने के लिए, ताकि वो अच्छे से निकले निरमा के पानी से। तू जा ऐसे पेड़ा ले जा बैठने के। अच्छा ठीक है ला रही हूँ। ये बैठने के इसको मम्मी ने क्या बोला पता नहीं, क्या बोलते हैं इसको? पेड़ा। पेड़ा ये लो। आप एक काम करो, आप कपड़े धो लो, सुखाने को होगा तो मैं सुखा लेती हूँ फिर उधर जाके। अब है ना लाइट आ गई इसलिए ये मोटर में से पानी आ रहा है, नहीं तो है ना हैंडपंप से निकालना पड़ता है पानी। देखो ना यार धूप ही इतनी, ऐसे पैंट है ना सिर पे ओढ़ के लाना पड़ रहा है। हाँ नहीं तो चक्कर वक्कर आ गए तो। तो उस दिन जहाँ मैंने कपड़े सुखाए थे ना वहीं पे मैं कपड़े सुखा दूंगी, क्योंकि है ना उस दिन बहुत अच्छे से कपड़े सूख गए थे ना, और इस साइड धूप भी बहुत आता है। क्या हुआ? हालत टाइट हो गई यार। देखो नहीं बोलते बोलते भी मम्मी ने ना उस दिन जितने ही कपड़े धोए, मुझे तो लगता है उस दिन से भी ज्यादा धोए होंगे। और धूप इतनी है ना, ये देखो ये ओढ़नी गीली ओढ़नी थी पता है, मैंने ना निचोड़ के सीधा ऐसे सिर पे ले ली, ये पूरी सूख गई। ये भी धोने के पापा के? हाँ। देखो ना यार कितने सारे कपड़े धोए हमने, और मैं ना नहा के भी आ गई, और अभी मैंने यहाँ पे बैठ के पॉपकॉर्न खा रही हूँ, बहुत भूख लगी है यार। कपड़े धोने के बाद में इतनी भूख क्यों लगती है क्या पता है यार, आपको पता है तो कमेंट में बताओ। तो मैं ना हर रोज यहीं पे बैठ के अपना मेकअप करती हूँ, तो मैं आप सबको दिखाती हूँ कि मैं मेकअप कैसे करती हूँ। मेकअप मतलब सिर्फ मैं मॉइस्चराइजर और पाउडर ही लगाऊंगी, क्योंकि यार इतनी गर्मी हो रही है ना इसीलिए। ये देखो ये रहा मेरा मैक का कॉम्पैक्ट पाउडर, ये और ये रहा कुकीज में ये लिप बाम है, और ये मॉइस्चराइजर। देखो मैं रेडी हो गई अभी है ना, मैं ये सारा मेकअप का सामान है ना अच्छे से अरेंज करके रख देती हूँ, और जल्दी से हम लोग खाना खाने चलते हैं। और आप सबने देखा ना आज मम्मी ने वो आलू फ्राई वाली सब्जी इतनी ज्यादा टेस्टी बनाया, खुशबू इतनी बढ़िया आ रही थी। वाह ये लो मम्मी खाना खाते हैं। इतने कपड़े धोने के बाद में तो ये खाना खाने का मजा ही आएगा। खा ले तू पहले। यार खाना तो खा लिया, लेकिन इतनी गर्मी हो रही है ना, और लाइट भी चली गई है। अभी देखो अभी 4 बजने वाले, अभी तक लाइट नहीं आई, कितनी गर्मी हो रही है। देखो मैं रेडी हो गई एकदम मस्त पंजाबी ड्रेस पहन के, बताओ तो कैसी लग रही हूँ? कैसी लग रही हूँ बता तो। अरे डर अच्छी लग रही हूँ, अच्छी की बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। अच्छा का नाम बा? साबिया। क्या? साबिया। साबिया मेरा नाम काव्या। पापा जल्दी चलो ना रेडी हो जाओ ना, हम पापा को कब से बोल रहे हैं रेडी होने के लिए, हमको बाहर जाना है। ओ भाई साहब मैं क्या बताऊँ, गाड़ी के साथ साथ सीट भी गर्म हो गए, बैठना भी नहीं आ रहा है। तो अभी हम लोग आ गए बंधे पे, क्योंकि है ना हमको रील्स वगैरह निकालनी थी, और यहाँ पे अभी सनसेट हो रहा है, इतना अच्छा लग रहा है ना इस साइड। रुको मैं आपको दिखाती हूँ। मम्मी ज्यादा आगे मत चलो, मोर का और पीछे देखो, पीछे छोटी छोटी बच्चा पार्टी में को देख रही है, और मैं जब उनको बुला रही हूँ ना तो वो शर्मा रहे, कोई भी नहीं आ रहा है। आ गए फाइनली। क्या है? सांप है? ए, सांप है वो? अरे यारी कुछ नहीं होता, मरे मर गया शायद। नहीं मेरे को नहीं देखना, मेरे को एक तो पहले ही सांप के सपने आते हैं। भैया उधर से लेके जाओ, मर गया। नहीं जिंदा। जिंदा इधर क्यों लेके आए? कैसा है दिखाओ। जिंदा है वो।
ये काटेगा ना आदमी फिनिश। कौन सा सांप है ये? इसको शुद्ध भाषा में गोइठिया गोइठिया बोलते हैं। अच्छा अरे उधर ना, उधर काफी जनता को परेशान कर रहा था, इधर छोड़ने आया, इधर कोई नहीं आता है ना। अच्छा, यही पर देता हूँ। सांप से बहुत डर लगता है यार, बाकी चीजों से मैं लड़ सकती हूँ लेकिन सांप से बहुत डर लगता है। तो कैसे जाएगी खतरों के खिलाड़ी में, उसमें सांप छोड़ते हैं? तब देख लूंगी, खतरों का सामना कर लूंगी। वही यहीं पे छोड़ रहा। अरे भाया, अरे ओ भैया, यहाँ कहाँ छोड़ दिया? अगर कर्ण भगवान का मित्र ना होता ना, हाँ तो अपना भी होता। अरे अरे कहाँ छोड़ा है? नहीं नहीं मम्मी, नहीं नहीं मैं नहीं जा सकूंगा, इधर जा। अरे भैया नहीं, वो डर आप तो रोज देखते हो। इसको भी सिखा दो सांप पकड़ना, यही रह गया है। अरे पापा ने बोला है तेरे को सांप पकड़ना सिखाने के लिए। नहीं तो आ जाएगा वो इधर ही, थोड़ा दूर ही रहो। इसके बॉडी में थोड़ा दर्द, महाकाल का भक्त ना होता तेरे को खत्म कर दे। तो मैंने अभी वो सांप को हाय बोला ना, तो वो भैया बोलते हैं वो जो फन वाला सांप होता ना, फिर वो हाय बोलता। वो होता ना, सच में बताता हूँ, वो तो बहुत बढ़िया से हाय करता। मैं नहीं मानता। अब वो देखा नहीं है ना हमने कभी, देख लेंगे। चला गया सांप उसके घर का। देखो कितनी भीड़ आ गई सांप को देखने। देखने आए हो? पापा इतना लेट आए, देखो कहा पापा लेट हुई गवा। क्या था? सांप था, सांप। कौन सा? आस्तीन का। आस्तीन का सांप हो, कुछ भी हो, सारे आस्तीन की होते हैं। बोले कि सांप काटने से डायरेक्ट आदमी खत्म हो जाता है, वो वाला सांप काटने से डायरेक्ट खत्म, सीधा ऊपर। मेरे को लगा आस्तीन का सांप था। नहीं, आस्तीन का सांप नहीं होता। देखो कितनी भीड़ आ गई थी यहाँ पे सांप देखने। कैसा लगा सांप देख के? ये बताओ दांत काहे दिखा रहे हो? उसको तो बताओ। आ जाओ, सब आ जाओ। ठीक ना? थैंक यू। देखो ना यहाँ पे ऐसे है ना, कितने लोग आ जाते हैं देखने के लिए, तो है ना हमको भी अनकंफर्टेबल होता है। फिर जब हम खड़े थे ना तभी कितने सारे लोग आ गए देखो, और जब हम वहाँ से निकले तो ये वहाँ से निकल गए। ये क्या बात हुई, हमको वहाँ पे रील्स बनानी थी। तो हमने ना अभी ऑफ रोडिंग स्टार्ट कर दिया, और देखो अभी है ना हमारी गाड़ी है ना खेतों में चल रही है, और हम जा रहे हैं सीधे नदी के किनारे। मजा आ रहा है पापा ऐसे ऑफ रोडिंग करने में। गाड़ी फंस गई ना इधर, तो तुमको मजा ही आ जाएगा फिर। पापा हम थार ले लेते हैं ना। हाँ, ये देखो हम ऑफ रोडिंग करते करते आ गए नदी के किनारे। अरे बाप रे, ये अभी हम गाड़ी लेके आए ना इसलिए इतनी धूल उड़ गई है रेती पूरी। भाई साहब देखो ना क्या नजारा है, बस है ना इसमें नदी में पानी थोड़ा सा कम है। पानी अभी गर्मियों के ये चल रहे है ना, दिन चल रहे इसलिए पानी कम है इसमें, नहीं तो ये नदी यहाँ तक आती है ना पापा, यहाँ तक। अरे पूरा फुल भरा रहता हूँ, पूरा फुल भरा रहता है। मेरे को पानी के पास में जाना है, चलो ना जल्दी, चलो जल्दी आओ। इस साइड साफ पानी है, इस साइड चलते हैं हम लोग। तूने लाल कपड़े पहने वाले हैं। चल 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 उधर चल। बैल है वो, देखो मेरे पीछे। यार मैंने ना लाल कपड़े पहने, कहीं वो बैल है ना इधर ना आ जाए। अब सबको मैं एक जादू दिखाऊं। ए महादेव की नंदी, तुझे ना महादेव की कसम है, तू जहाँ पे है वहीं पे बैठ जा। गोवा का बीच है गया है, और तू तो बैठ गया आराम से, गोवा का बीच छोड़ी है ये। फिर गाय भैंस यहाँ पे नहलाते मालूम क्या? ओ चल उठ। अच्छा लग रहा है ना यहाँ पे बैठने? हाँ एकदम ठंडा लग रहा है पापा यहाँ पे बैठने से, इसलिए बैठे हम। अच्छा वो सब तुमको दिखाई नहीं दे रहा क्या? अभी घर पे मत लेके चलना, बाजार लेके चलना।
क्या है बाजार में? मेरे को है ना बाजार से चाट खानी है और पानी भी पीना है, वो बॉटल वाला ठंडा ठंडा एकदम ठंडा पानी फ्रिज में का। ठीक हाँ। बात अब चला। हाँ बिस्लरी का पानी पीना है। देखो ना ये लोग खेत में कैसे काम कर रहे हैं, कितना सही लग रहा है ना, सनसेट भी हो रहा है, एकदम बढ़िया लग रही है। देखो यहाँ पे अंकल है ना समोसा चाट बना रहे हैं। अंकल हंस दियो हंस दियो हंस दियो। तीखा बनाना तीखा। अच्छा बेटा। हाँ मिर्ची डालने के लिए बोला, एकदम तीखा तीखा मिर्ची डाल खाएंगे हम लोग। देखो यहाँ पे ना गर्मा गर्म समोसा बन रहे हैं। कितना टेस्टी लग रहा है ना, देखो मम्मी के चेहरे की खुशी साफ साफ झलक रही है। तो हमने जो है ना सुबह धो के कपड़े सुखाए थे ना खेत में, वो है ना हमने लाए ही नहीं, हमने है ना खेत में ही रख दिए थे वो कपड़े। तो अभी है ना हम जा रहे खेत में कपड़े लाने के लिए। देखो अभी बहुत अंधेरा हो गया, कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। ये देखो इस साइड है ना सांप का बिल भी है। तो ये जो सुखाए हुए कपड़े यहाँ से हम अभी नहीं लेके गए ना, तो ये है ना ऐसे गीले हो जाएंगे रात भर। देखो कितना अंधेरा हो गया, कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है यहाँ से। यार ये देखो नहीं अभी जल्दी निकल ही नहीं रहा है, ये ऐसे तार वाला है ना ये, इसीलिए। यार मेरे को बहुत डर लग रहा है, इतना अंधेरा है, मैं आप सबको क्या बताऊँ, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। और ऊपर से यहाँ पे सांप का बिल भी है और हम है ना इतनी खेतों में खड़े हुए हैं। मम्मी सुबह तो ये अच्छा लगता है खेतों में कपड़े सुखाना, रात में देखो कितना भयानक माहौल हो जाता है। चलो भागो जल्दी यहाँ से, क्योंकि यार ये सुबह ही बहुत अच्छा लगता है, रात में बहुत ज्यादा डरावना लग रहा है ये खेत। ओ भाई साहब आ गई मैं अपने टेंट में। तो आप सबको पता है आज दोपहर में ना मम्मी ने और मैंने ना कभी खुशी कभी गम मूवी देखी ऑनलाइन, और आज का वीडियो है ना पप्पा ही एंड करेंगे। पप्पा एंड करो। कौन गा रहा है? कौन गा रहा है? मैं तो सो गया था, कौन गा रहा है? खुशी कभी गम। स्टॉप, ये हमारे दिमाग में बज रहा है और आप गा रहे हो। मैंने गा रहा यार, पर कौन गा? ये क्या बात है पापा, बिल्कुल आवाज नहीं करेगा कोई। कौन करा रात भर दिमाग में नहीं घूमेगा भूत तो नहीं। पापा ने तो हमको बिल्कुल ही डरा दिया कि वो गाना नहीं गा रहे। तो चलो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, अभी गाओ के वीडियोस को जल्दी जल्दी लाइक करो एंड चैनल को सब्सक्राइब करो। अभी कल है हल्दी की रस्म।